खोल दिया, इसकी पिटाई करो। हाय दोस्तों, कैसे? ठीक हो? ठीक था वो और मत... झुमके ये दिया मैंने सामान। आज फिर से होने लग गया है खटीमा के मौसम में परिवर्तन। मौसम होने लग गया। क्या बोला तूने? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फिर से खराब। और मैं ढूंढती हूँ अपना ट्राईपॉड, क्योंकि मैंने सोचा आज सुबह से ब्लॉगिंग करने के लिए, तो मैं आज करती हूँ, देखती हूँ दिन भर में क्या क्या कर सकती हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं बाबू का टिफिन, तो मुझे चाहिए हो रहा था ट्राईपॉड, जो मिल नहीं रहा है। हाँ, टिफिन में तैयार होने वाला है आज एप्पल एंड पोहा। हाय हाय, इतना सुकून। मैंने एप्पल तो कट करके रख दिए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो क्या नाचो मैं? ऐसे ही बना हुआ पोहा होता है, बस उसमें पानी ऐड करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। बात तो सही है। तो कर लेती हूँ तैयार, क्योंकि कल बाबू ने बोला था मैं पोहा ले जाऊंगा, और पानी भी हो गया है यहाँ पर को अच्छे से गर्म। और यहीं से करती हूँ मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उषा बोल रहा हूँ साजवर्ल्ड हैशटैग ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ, इष्ट देव की कृपा है। आशा करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे। बाबा ब्यानधीरा और माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत, और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7:45 से। और बाबू को मैंने दूध पिला दिया है, मैंने आपको अभी दिखाया था। और अब मैंने कर लिए हैं यहाँ पर को एप्पल कट करके टिफिन पैक कर दिया है, ये भी आपको दिखा चुकी हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बाबू के लिए पोहा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब मैं इसको करती हूँ तैयार, देखते रहिए मेरे साथ। इसका हाथ में धोके तैयार करती हूँ स्कूल के लिए। बाबू हो गया स्कूल के लिए तैयार। ये गंदा बच्चा। और इसको हो रही है, क्या हो रही है आपको? दिक्कत हो रही है इसको स्कूल जाने में, प्रॉब्लम हो रही है ना? दिक्कत नहीं हो रही है, गुंडा हो रही है। गुंडा बनना है इसको बड़ा होकर। किसी को अफसर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है। मेरे लड़के को बड़े होकर क्या बनना है? ऑफिसर। गुंडा नहीं, ऑफिसर। तो अब मैं कर लेती हूँ इसका खाना तैयार। बहुत लेट हो रहा है, तो ब्लॉगिंग भी बाद में करूंगी। हाय दोस्तों, कैसे? ठीक हो? ठीक था वो और मजा है, कुछ खेलेगा। और मम्मा टिफिन करिए तैयार, और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो, और अब बाबू खाएगा मार। स्कूल के लिए हो रही है देर, और इसको बनाना है सुबह सुबह ब्लॉग। तो बाबू का हो गया टिफिन तैयार, और मैं कर देती हूँ इसका बैग भी पैक। हाँ। देर हो गई? हाँ। कहाँ जा रहे हो बैग मेरे? जीते रहना बंदर। ऐसे स्कूल में भी करते हो? स्कूल में करते क्या हो, खेलते ही तो हो बस। जाओ अच्छे से देना, ठीक है एग्जाम। बाय बोलो। बाय। बाय। देख ले आए लाइटर, वहाँ तो खोज लेगा इनको, दे ना, दे देना।
बाबू चले गया स्कूल, अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं निकल रही हूँ अभी घर से बाहर को और जाके आती हूँ एक चक्कर मार्केट। तो बैठी हूँ और चलती हूँ मार्केट की तरफ को। हम जुम के और ये लिया मैंने सामान, मैं ना आ गई हूँ मार्केट से और रास्ते पे चल रही हूँ पैदल पैदल। मुझे ना पता नहीं, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है मार्केट पे बनाने का व्लॉग, और पता ही नहीं चलता है कि कब मैंने सामान लिया, कब मैंने ब्लॉगिंग करूँ ना करूँ। तो अभी मैं निकल गई हूँ घर की तरफ को, बाजू को बुला रखा है, पैदल पैदल चल रही थी तो सोचा कि ना ब्लॉगिंग कर लूँ। मार्केट में कुछ ज़्यादा सामान वगैरह भी नहीं लिया, तो अभी चलती हूँ घर की तरफ, घर पहुँच के फिर करूँगी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू। आज हमारा बना है भात, ये क्यों बना रहा, मसूरे की दाल ना, मसूरे की दाल चटनी, और ये बाबू और बाबू का न्यू लोवर। कैसा लग रहा है बाबू, स्कूल से आ गया ना? अच्छा। क्या किया स्कूल में? वाह वाला लग रहा है इसको। खा लेते हैं खाना। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी आ रहे हैं मेरे ननद के घर से, उनकी देवर और रानी के लिए, उनके लिए बना लेती हूँ पकौड़ी और चाय। अब बना लेती हूँ पकौड़ी, पकौड़ी के लिए तैयार। गर्म पानी में केक नहीं बना रही हूँ, वो कपल बना रहा है ना, चॉकलेट की गार्निशिंग करके उसकी वो बना रही थी। तो आ गए हैं, ये है मेरे बाबू के फूफा जी, छोटे फूफा जी, और वो है नई नवेली दुल्हन। हेलो तो बोलो, आप भी बोलो। अरे रामू आते ही देख रहे हैं मेरे ब्लॉग, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, और उसमें वो बज रहे हैं वाह दीदी वाह, तो उसमें वो बहुत हंस रहे हैं। तो अभी करते हैं ये चाय पकौड़ा ले रहे हैं, और उसके बाद अभी यहीं रहो बोला लेकिन रह नहीं रहे, तो देखते हैं अभी आगे को क्या क्या होता है, तो बने रहिए। बहुत ही खुश हो जाता है कोई जब आया तो। प्रणाम, क्यों प्रणाम कहना भूल गए, दादी को प्रणाम बोलो। ना कुछ लगाना भूल गए हो, ये भी लगाया बाबू, सब लगाया है। अरे बैठ जाओ, बैठ जाते जोड़ है को, अब तुम रो, अब एकला एकला कौन ठड़ी रहा। हृदय देख रहे उसको, ज्यादा ही खुश हो गया है आज।
घर ही ले जाना पड़ेगा उसको। उठो इधर। हाँ मामा के घर गई है, फिर मामा के घर से तो होने वाला ही हुआ। पहुंचा जाऊंगा। आ गए, तुम कहाँ पहुंचाते हो? पिछली बार कहाँ आया था? पापा आ गए थे वहाँ। हाँ ना मेरे साथ नहीं आ रहे हो? तुमको नहीं आ रहा? बाय बोल दो। बाय बाय। ज़्यादा घूमने नहीं घूमने। आ रहे हो तो आ जाओ। नहीं आ रहा। नहीं यार। मम्मा बुआ की शादी वहाँ हुई। हम लोग भी निकल चुके हैं अब घर को, और इसी के साथ मैं करती हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत शैतानी करने लग गया है, जो लिफाफा उनके लिए रखा था इसने वो लिफाफा खोल दिया। इसकी पिटाई करो, बहुत गंदा बच्चा बन रहा है। अगर इसकी मैम देख रही है तो इसकी पिटाई करना। तो मैं करती हूँ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उषा आज वर्ल्ड #ब्लॉग।